Hello everybody, welcome back to this channel. I am Akash Vimal. How are you guys doing? And yes, I am back with another video. Hi. So our dogs, they are all around hamesha. So yes, we have a shelter now. Or we are also opening up a clinic bahut jaldi yahan par. It's a private kind of a thing. Aur yahan par bahut sare wild animals aate hain for the rescue purpose. To is wajah se we don't entertain people yahan par. क्योंकि वाइल्ड रेस्क्यूज में आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होता है. हर जो भी जानवर होता है उसको आइसोलेशन मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, दिस इज़ आर शेल्टर. मैं वी आर वर्किंग ऑन द पॉन्ड्स. काफ़ी सारे लोग हैं जो जिन्होंने टर्टल्स रखे होते हैं एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया. आपको थोड़ा सा याद भी होगा, आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज अबाउट टर्टल्स. हम टर्टल कॉन्जर्वेशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट है हमारा दिल्ली जू के साथ और TSA के साथ, टर्टल सर्वाइवल अलायंस. दे बोथ आर डूइंग ग्रेट जॉब. दिल्ली जू में हम ये करने वाले हैं कॉन्जर्वेशन एंड ब्रीडिंग. तो देखते हैं व्हेन इट्स गोना स्टार्ट और कब पेस पे आएगा. तो यू विल बी एबल टू सी आवर वर्क एकदम अपने आँखों के सामने. और आज हम बात करने वाले हैं एक टर्टल के बारे में जिसको हम कहते हैं इंडियन रूफ्ड टर्टल. बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं मैंने इस चीज़ के बारे में, बहुत कुछ. और काफ़ी हम कोशिश करते हैं इन टर्टल्स को बचाने की. लोग इनको ख़रीद लेते हैं एक्वेरियम की दुकान में 150-200 रुपए में, मुश्किल से 150-200 रुपए. और ये वाइल्ड में पकड़े जाते हैं, इनको इलीगल तरीके से जब पकड़ते हैं तो वहाँ पर से ये बिक के आ जाते हैं इन छोटी छोटी एक्वेरियम शॉप्स पर, पेट शॉप्स पर, फिर वहाँ पे ये स्मगल हो जाते हैं. लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक कछुआ एक्वेरियम में वो डाल देते हैं, उनको कछुए की नीड भी नहीं पता होती. और ये एक्चुअली में लॉफुली प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है. इंडियन रूफ टर्टल प्रोटेक्टेड है. अगर आपने इसको पाला तो यू कैन बी जेल्ड अप टू 6 or 7 years अकॉर्डिंग टू WPA 1972. तो अगर आपके पास एक कछुआ है या फिर आपके किसी जानने वाला के पास कोई कछुआ है तो प्लीज़ रीच आउट टू अस. ऐसे कोई पनिशमेंट नहीं होती जब आप सरेंडर करते हो अपना कोई एनिमल. और अगर आपके पास है तो यस, यू कैन रीच आउट टू अस. काफ़ी सारे लोग हमें रीच आउट करते हैं फॉर देयर टर्टल्स. और काफ़ी सारी कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जिन्हें कहते हैं इंडियन टेन टर्टल और येलो स्पॉटेड ब्लैक पॉन्ड टर्टल. कोलकाता की साइड बहुत ज़्यादा मिलता है ये. और ये काफ़ी ज़्यादा स्मगल होता है क्योंकि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अभी इसका स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लोगों को ये रियलाइज भी नहीं होता. हमारे पास एक सरेंडर किया था एक बंदे ने, और टर्टल था वो इतना सा जब वो लेकर आया था. और उसके बाद 3 या 4 साल उसने उसको रखा और वो माल न्यूट्रिशन हो गया उसको और वो बहुत बड़ा हो गया साइज. तो दिस इज़ वॉट हैपन्स. फिर लोग हमें रीच आउट करते हैं जब उनको माल न्यूट्रिशन हो जाता है. आपको ये खुदाई की आवाज़ें और यही सब ऐसे उल्टी सीधे जानवरों की आवाज़ें यहाँ पर पूरे दिन आती हैं. तो यस, इंडियन स्टारबैक्स भी उसी में आते हैं. ऑल दो दे आर नॉट दैट लेस, पर बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है स्टारबैक टॉर्टेज की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया जाता है पेट ट्रेड में. और लोग उनको रख लेते हैं और रोटियाँ खिलाते हैं, खीरे खिलाते हैं, जिससे कोई न्यूट्रिशन नहीं होता. खीरा बहुत टेस्टी होता है और इसलिए हर टर्टल या टॉर्टल उसको पसंद करेगा ही करेगा. आपको न्यूट्रिशन मैच करना होता है और हर जानवर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो इफ़ यू हैव एनी इंडियन टर्टल और टॉर्टल, काइंडली रीच आउट टू अस वाया इंस्टाग्राम, या फिर यू गाइस कैन ऑल्सो गिव अस अ कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर्स. और हम देखेंगे कि हम बेस्ट क्या कर सकेंगे मिलकर उस जानवर के लिए. इंडियन टेन टर्टल बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, हर जगह मिलते हैं इंडिया में. एज ए नॉर्थ साइड आप देखोगे तो काफ़ी मिलेंगे. एसमीज रूफ टर्टल भी होता है, दैट इज़ ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड. तो सारे स्पीशीज़ जो हैं ये Schedule 1 में आते हैं ऑफ WPA 1972. एंड येस, दैट्स हाउ इट इज़. येस, लोग बोल रहे हैं दे आर ड्रॉपिंग मी मैसेजेस कि मैं पतला हो गया हूँ. आई नो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है अभी, पर एक दिन आई विल बी ऑल राइट. और येस, आई एम सिटिंग ओवर योर, पीछे भी हमारे एनक्लोजर है, यहाँ पर भी एनक्लोजर है. आई विल गिव यू गाइज अ फुल राउंड जब सब कुछ रेडी हो जाएगा. अभी सब कुछ थोड़ा थोड़ा बना है क्योंकि वी आर डूइंग रेस्क्यूज ऑल्सो.
वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू कंजर्व द स्पीशीज, और कोई नहीं है जो इनके कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत सस्ता जीव है. लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 500,000 रुपये का जीव एक मर जाता है तो वो दोबारा उसको ले आते हैं. पर इनकी भी फैमिलीज होती हैं, इनका भी एक एक रूटीन होता है, इनके भी कुछ नीड्स होते हैं, विच इज़ द राइट ऑफ एवरी एनिमल. लोग उसको दे फॉरगेट अबाउट दैट और वो उनको एक्वेरियम में रखते हैं. एक्वेरियम में मुश्किल से उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, और आई हैव सीन एक एक फुट के एक्वेरियम में लोगों ने रूफ टर्टल्स रखे होते हैं, और उनसे पूछो तो वो बताते हैं 300 रुपये का लिया है, 400 रुपये का लिया है. और जब तक वो बेचारा जीव अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ता रहता है उस एक्वेरियम में, जैसे ही वो हारने लगता है फिर उनको हमारी याद आती है. तो प्लीज़ आप उस चीज़ का वेट मत करो जब तक आपका जानवर अनहेल्दी हो जाएगा. रेप्टाइल्स को बहुत टाइम लगता है, और फिर वो एकदम से ही उनका माल न्यूट्रिशन दिखता है और फिर केस बिगड़ जाता है. तो प्लीज़ इफ़ यू लव योर टर्टल, इफ़ यू रियली लव योर टर्टल, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि वो वापस जाए जहाँ से वो आया है, जहाँ से उसको छीन के लाया हुआ है. तो इनको हमारे पास जो है दे गेट अ लॉट ऑफ बास्किंग, उनको बहुत मज़ा आता है पूरे दिन, दे एंजॉय, दे आर नॉट इन द एक्वेरियम्स एनीमोर. और यस, दिस इज़ हाउ इट इज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ टेक केयर ऑफ कछुए अराउंड यू, उनको इग्नोर मत करो उतना. और कछुए खाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, इट इज़ अ मिथ. तो फ्लैप शेल टर्टल्स को भी प्लीज़ मत खाओ. And yes, don't pet them. अगर आपको if you want to pet them, pet radio sliders. Radio sliders बहुत आते हैं हमारे पास, लोग उनको छोड़ने वाले होते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं प्लीज़ मत छोड़ो, ये invasive हो जाएगा और ये सबको मार देगा. Radio slider यहाँ के नहीं हैं, वो अमेरिका के हैं, तो इस वजह से लोग हमें दे देते हैं. We have some radio sliders also. They also chill for all day. पूरा सुबह उठते हैं, मस्त बास करते हैं, फिर बढ़िया करके सो जाते हैं. आते जाते उनको वेजिटेबल्स मिलती हैं, श्रिम्स मिलते हैं, we feed them everything. So yes, this is our test. Thank you so much for watching. If you like the video, please press the like button. If you want to leave a comment, please do. I love reading your comments. और मेहनत पूरी चल रही है, आप भी थोड़ी सी करो, कॉन्जर्वेशन साथ में करेंगे. थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड. और पसीनों में थोबड़ा सारा. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. रुक जा, नहीं रुक जा. Hello everybody, welcome back to this channel.